और आपने अपने स्कूल में कितना अनाउंसमेंट किया अपने मतलब यूट्यूब का? 500 रुपये का इसने चूना लगवाया मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी, तो मैं मॉर्निंग में निकल गया हूँ पैदल, क्योंकि इतना दूरी है नहीं। तो पहले जाऊँगा, एक मदरसा है तो वहाँ तिरंगा लहराया जाएगा, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ ध्वज लहराएंगे। उसके बाद में जाएंगे हमारे स्कूल, जो वहाँ पर भी लहराएंगे। उसके बाद जाएंगे हमारे जहाँ हम पढ़ाई करते थे उस स्कूल में, तो काफ़ी इन्जॉय होगा, देखने लायक होगा कि आज का कैसा माहौल है यहाँ का। जहाँ पर यहाँ बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ पर इतना तो कुछ होता नहीं है गाँवों में, फिर भी जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो कंटिन्यू बने रहें, और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अच्छा, पूरी टीम वालों को तो मैंने नहीं सुनाई, फिर भी एक बंदे को सुना दिए, बाकी वालों को सुनाना बाकी है। तो बहुत ही जल्द आज शायद बता दूंगा, और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मन भी हो रहा है आप वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतने दिन मन हो भी नहीं सकता था, वो एक रीजन था। तो पिछले 4-5 दिनों से कुछ सर्दी और जुकाम लग गया, तो इसलिए कभी पोस्ट भी नहीं कर पाया यूट्यूब पे। तो कैसे हो आप सभी लोग, बस ये बताओ, बस हमारी फैमिली हैप्पी होनी चाहिए इस सर्दी के मौसम। और ये जाता है रास्ता सीधा मदरसा, तो वहाँ पर एक स्कूल है, वहीं जाएंगे पहले, क्योंकि वहाँ पर कम लोग होंगे, तो बच्चे भी आएंगे, उन लोगों को करेंगे खुश, उसके बाद में चलेंगे स्कूल। दोस्तों आज हम क्या है कि मतलब सोचा था हमने, मतलब कि पैदल जाएंगे स्कूल, पैदल आएंगे। कारण क्या, इसका रीजन क्या तुम्हें पता है? वह मैं बताऊं, रीजन ये है कि हम छोटे थे ना, तब पैदल जाया करते थे, या नहीं कि ये हमेशा मतलब याद रहना चाहिए कि हम छोटे थे तब 3 किलोमीटर, गाइस आप मानोगे नहीं, 3 किलोमीटर पैदल आते थे, पैदल जाते थे, वो भी बैग एक भारी सा है, तो वो मजा ही अलग है, वो मतलब फील करने के लिए आज हम पैदल गए, बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारी सड़क, ठीक है, इसी रास्ते से हम हमेशा जाते थे, और ये जाती है हमारी गांव की तरफ। और इन लोकेशनों पर हमने कई सारे वीडियो बनाए, ऐसा नहीं है कि ये जितना भी आपको दिख रहा है कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है 3-4 सालों में। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ हमारी स्कूल में, जहाँ पर हम पढ़े थे, और उसको काफ़ी समय हो चुका है, तो आज हम दर्शक बन के यहाँ पर आए हैं, तो देखने में पुरानी यादें भी ताजी हो जाती है, और आप भी देख सकते हो। और उस टाइम यहाँ पर कुछ बना हुआ था नहीं, पहले इस साइड जो रूम बने हुए उसी में हम पढ़ाई करते थे। तो गाइस फाइनली अब यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट, तो कुछ देर के लिए नाटक देख लें, उसके बाद में चलते हैं घर, सभी से मिलते हैं और एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहां पर फंक्शन हो रहा है पूरा, और हम काफी देर तक अंदर बैठे रहे और काफी एंजॉय किया, और पुरानी यादें भी ताजी हो गई देखकर कि हम भी पहले ऐसे यहां पर एंजॉय करते थे। कैसा रहा 26 जनवरी का ये दिन? बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी इन्जॉय किया, और काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं, क्योंकि गाइस ये हमारे बाड़मेर में पढ़ाई करता है, वहाँ पर तो कभी कभार आता है, और आज मिला है, तो सोचा कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनाए और आपको दिखाएं कि वीडियोज क्यों रुके हैं, क्यों नहीं काम करते हैं, ये लोग पूछते हैं। कुछ कारण होगा? कारण हम ही है, कारण हम भी है, और काफी सारे हम उदास भी हो गए थे, ठीक है, उदास का कारण है एक बहुत ही बड़ा है। क्या? सॉरी गाइस, सर्दी लगी हुई है। कारण ये है कि हमने मतलब 2-3 साल तक वर्क किया ही है, और हमें कभी वो मोटिवेशनल नहीं मिली। हाँ, मानते हैं कि वीडियो अपने वायरल हुए, खुशी भी हुई, जब कुछ उनसे रिस्पॉन्स या कुछ न मिले तब क्या है कि बंदा डीमोटिवेट हो सकता है,
अब फाइनली जाके कुछ समझ में आया आपको, किया है थोड़ा है? किया है, अब मन को मतलब कुछ शांति मिल रही है जी। और अभी भी हमारे मतलब दो टीममेट है, उनको पता नहीं है ये, तो ये उनको खुशखबरी देंगे तो वो दौड़कर भाग के आएंगे जी। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू करना है, रहना है यहाँ पर, करना है, है? मेरा मन बहुत कर रहा है क्योंकि ये चीज अपन कभी छोड़ नहीं सकते हैं, यूट्यूब नहीं सकते है? एक एक मतलब क्या एक बोले कि ऐसा कीड़ा है कि सोशल मीडिया हमारा जो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया काफी मेहनत से, ज्यादा दिन से जुड़े हुए हैं, अब छोड़ दें तो मजा नहीं। 3 साल हमने यार खाना पीना सारा सब कुछ छोड़ के ये सारा इस पर थे, इस पर थे। यकीन मानो आप लोग मतलब मानोगे नहीं कि मतलब ये हल्के फुल्के वीडियो बने, चलो मतलब इतने वो अच्छे नहीं हो, हमने काफी बनाए अलग अलग टाइप के बनाए हैं, अच्छे भी नहीं बने हो, फिर भी हमारी मेहनत हमें पता है कि ये 3 साल हमने कैसे बनाए, मतलब पूरी जान लगा दी थी, सुबह मॉर्निंग उठना और रात भर जागना, और कभी कभी हम तो मतलब हमने स्टूडियो भी बनाया था, उस स्टूडियो हमें रात दिन हम एक करके कभी नींद भी नहीं ली, फिर जाके हमने यहाँ 2 लाख तक सब्सक्राइबर किए, यहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँचे। और उसके बाद में पता नहीं क्या ही नजर लगी, जो किसकी लगी पता नहीं पता ही नहीं, आगे बिल्कुल छोड़ दिया सारा सब कुछ। तो अब करेंगे कंटिन्यू व्लॉग, इसलिए बना रहे हैं कि आज काफी दिनों के बाद में एक आप लोगों को सूचना दे दें, तो अब भी कंटिन्यू और लगे रहेंगे वीडियो आते रहेंगे, हमारे साथ रहिए, और आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि हम पर थोड़ा सा अब सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि हम मानते हैं हमारी गलती हुई है, लेकिन गलती हम स्वीकार करते हैं, पहले की तरह आप जुड़े रहिए, थोड़ा दोबारा जल्दी आ जाइए, हम भी आते हैं आपके पास में और कुछ करेंगे क्रिएटिविटी। ठीक है, कोई एक कुछ अलग ही करेंगे, अब इसमें हम सब करेंगे, जैसे पहले वीडियोज बनाते थे वो व्लॉग एक्सपेरिमेंट और सब कुछ करेंगे। और आपने अपने स्कूल में कितना अनाउंसमेंट किया अपने मतलब यूट्यूब का, 500 रुपए का इसने चूना लगवाया मुझे, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लगा ये यहाँ पर देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में था, हमारे यूट्यूब की तरफ से हमने दिए थे, मेरे मन में भी था कि यार देना था, अभी इतना हमारे चैनल का खर्चा बड़ा नहीं है, फिर भी अच्छा है, दिल के साफ है, क्यों नहीं, इतने थे हमारे खाते में, सपोर्ट कर, सपोर्ट कर, बेइज्जती तो मत करवा। तो गाइस फाइनली लास्ट में मिला है हमें ये, तो आपने देख लिया होगा स्कूल में, काफी अच्छा लग रहा है, सम्मानित किया गया, नाम किसका आप देख लो, बड़े ब्रदर का, तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही प्यार देते रहना, आते रहना, हम वीडियोज बनाते रहेंगे।